नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत कुछ मिनट में प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे बातेरे परिणत होला यस 24 घंटा नेबो भेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रूप 26 तारीख मध्यान रे पारादीप और सागरदीप मध्यरे करिबो लैंडफॉल 180 किलोमीटर वेगरे बहिबो पवन बात्या मुकाबला नहीं समीक्षा बैठक डाकिले गृहमंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री मुख्य शासन सचिव एसआरसी और अन्य अधिकारी माने रहिबे उपस्थित किसी समय पर करिबे आलोचना बात्या प्रस्तुति और मुकाबला नहीं वरिष्ठ अधिकारी को जिला दायित्व केन्द्रापड़ा हेमंत शर्मा जगत सिंहपुर शाशवत मिश्र भद्रक दायित्व रहिबे भीवी यादव बालेश्वर पर विशाल देव और सुरेश वशिष्ठ को मयूरभंज दायित्व दस जिले में दुई दिन लॉकडाउन कटकणा सामान्य कोहल आज और आसंता सकाल सात रु दिन गोटाए जाए खोला रहा अत्यावश्यक सामग्री दुकान बात्या निर्देश देले एसआरसी बात्या मुकाबला एनडीआरएफ ओड्राफ अग्निशम बाहिनी प्रस्तुत जनभागीदारी बात्या को सामना करने प्रस्तुत होते लोके ग्राउंड जीरो अर्गस राज्य में गोटे दिन में सर्वाधिक कोरोना जनित मृत्यु महामारी नेला आउ 32 जीवन 10,000 उपरे दैनिक ट्रेंड लागुनी ब्रेक 24 घंटा रे राज्य में आउ 11,069 पॉजिटिव चिन्हट एवं भारतर मिशन वैक्सीन नहीं आमेरिका रे पहुंचिले विदेश मंत्री एस जयशंकर जो बाइडेन को टॉप अधिकारी करेंगे आलोचना दुई देश मध्य कोरोना संबंधी सहयोग नहीं कथबार्ता बात्यार रूप नेला यस आज सका 5:30 बात्यार रूप नहीं यस आसंता 24 घंटा रे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रो रूप नेबो परवर्ती 24 घंटा रे भेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रे परिणत होबो बोली सूचना देछि पाणिपाग केन्द्र वर्तमान बात्या दक्षिण दक्षिण पूर्व पारादीप ठारु 540 किलोमीटर दूर रहिछि दक्षिण दक्षिण पूर्व बालेश्वर ठारु 650 और दक्षिण दक्षिण पूर्व दीघा ठारु 630 किलोमीटर दूर रहिछि 26 तारीख मध्यान रे बात्या पारादीप और सागरद्वीप मध्ये लैंडफॉल करि पारे लैंडफॉल बेलू पवन बेग 155-165 किलोमीटर रहा वृद्धि पाई 185 किलोमीटर हो पाए भद्रक केन्द्रापड़ा मयूरभंज जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होपरी 26 तारीख में बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा मयूरभंज जगत सिंहपुर कटक जाजपुर केन्दुझर जिले में प्रबल वर्षा संभावना रही सेपटे बात्यार मुकाबला एनडीआरएफ और ड्राफ अग्निशम बाहिनी प्रस्तुत हो रही आधुनिक जंत्रपाति सहित प्रभावित जिला को अद्यावधि 22 एनडीआरएफ टीम पठा जाइथिबा जाना पड़छि बात्या यश्र प्रस्तुति ने मुकाबला राज्यर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को बात्या प्रभावित जिलार दायित्व दि जाए केन्द्रापड़ा हेमंत शर्मा जगत सिंहपुर शाशवत मिश्र भद्रक भीवी यादव को दायित्व मिली से बालेश्वर जिला दायित्व रे विशाल देव और मयूरभंज जिला सुरेश वशिष्ठ को दायित्व मिली ए संपर्क में अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांति दिव्य जेहेतु बात यस आसुची जहाँ लैटेस्ट सूचना भी रही कि वर्तमान यस तरह गतिपथ बदली समय भी परिवर्तन जोटा संध्या रे लैंडफॉल करिबार इतला ता वर्तमान मध्यान को पळे आसी पूर्व जोटा ओडिशा पश्चिम कथा कह जाउतला कि ओडिशा एते मात्रा रे प्रभावित हेबनी उत्तर ओडिशा रे किछि जिला निश्चित भाव प्रभावित होता कितु वर्तमान बात्या संपूर्ण भाव में ओडिशा रे बेसी प्रभाव पकेबो बोली आकलन कराइछि पाणिपाग केन्द्र तरफ तो एनि प्रस्तुति केमिति रहिछि कारण विभिन्न उच्चपदस्थ अधिकारी मानको मध्य दि जाइछि दायित्व विभिन्न जिलार देखो नीलिमा निश्चित भाव में बात्या आसवर समय जी पाखे आसूँ प्रशासनिक स्तर में प्रस्तुति के आतीक जोरदार आतीक व्यापक आपत देखु वर्तमान देखिए 5 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी 5 जिलार दायित्व दिया प्रभावित होगा जिलागुड़ी आप देखते केन्द्रापड़ा हो
जगत सिंहपुर हो मयूरभंज हो बालेश्वर हो भद्रक हो पांच जिला पांच वरिष्ठ आईएएस अधिकारी स्वतंत्र भाव दायित्व दिखाई से जिबे पूरा लगातार भाव में स्थितर मुकबिला किभली से नहीं विभिन्न स्तर बैठक करेंगे और स्थानीय जिलापा हूँ स्थानीय अधिकारी साहय करेंगे और रणनीति प्रस्तुत करेंगे। सबुठ बड़ कथा हूँ आज मुख्यमंत्री अपराह्न 4 राज्यवासी को संबोधित करेंगे किभली बात्या समय से प्रस्तुत रहिबे किभली बात्यार मुकबिला समस्ते अंटा भिड़े से दिगरे समस्त को निवेदन करेंगे कौन से लोक पैनिक न होबे समस्त किभली सुरक्षित जगह को आसिबे से दिगरे समस्त को सूचना देबे सहित जेहेतु कोरोना मुकबिला बर्तमान चली राज्य में कोरोना बर्तमान भयंकर स्थित अच्छी एभली स्थित दुईट दिग को मुकबिला करने समस्त किभली समर्थ हे से नहीं समस्त को गोटे प्रकार सूचना देबे मुख्यमंत्री। ता सहित आप देखिए बर्तमान जेहेतु बात्या पाखिपाखि आसूसा निकटतर हो आउ अल्प समय अर्थात आउ 48 घंटार व्यवधान रही यार भितर किभली मुकबिला आज बैठक बसुच्छ गृहमंत्री अमित शाह बैठक डाकिंट जो थे वर्तमान बैठक आरंभ हो गला सीधा सड़क मुख्यमंत्री रही सहित आप देखिए मुख्य शासन सचिव रही स्वतंत्र रिलीफ कमिशन प्रदीप जेना बैठक में उपस्थित अच्छा बैठक में गुरुत्वपूर्ण आलोचना होती आउ गोटे कथ आप देखिए सेपटे जे यो मुकबिला नहीं आज जहाँ कहु विशेषकर 4 दिग्पर सरकार गुरुत्व देवा जाऊँच गोटे कथा बात्या आगर कि पुनरुद्धार कार्य तुरंत शेष हे और जेहेतु कोरोना परिस्थिति रही समस्त को जो कोरोनार गाइडलाइन रही अनुपालन कर सामाजिक दूरता सह सेल्टर हाउस रखा जतने सेल्टर हाउस को अणाजी से समय तक टेस्टिंग करा सहित समस्त को मास्क दिजाव यह सब दिगरे ध्यान देवाई समस्त जिलापाल मानक कत्यानोट दिग्वर गुरुत्व देवाई बर्तमान कहुच्छे गोटे रिस्ट्रक्शन जो हम पुनरुद्धार कार्य जो चलो से ही समय समस्त पाखे पानी जल कि भाव में पहुँचे कि भाव में विद्युत सेवा पहुँचे जोगाजोग रास्ताघाट को क्लीयरांस कर जो टेलीकॉम सर्विस को किभली भाव तुरंत समस्त पाखे पहुँचा से दिगरे गुरुत्व देवाई कहुच्छ चार दिग उपर गुरुत्व दे सरकार बर्तमान आग को बढ़ुंत सहित अंपट देखिए एनडीआरएफ टीम अधिक रु अधिक प्रस्तुत रखा बर्तमान सुधा 22 एनडीआरएफ टीम को जो मुतयन आहरी 30 गोटी एनडीआरएफ टीम को ओडिशा पे प्रस्तुत रखाई बोली जहां एनडीआरएफ डीजी यार भी ट्वीट कर सूचना देछन बात्या को आखे रखी वर्तमान प्रस्तुति जोरदार रही छी ता सहित वरिष्ठ अधिकारी मानको मध्य पर्टिकुलरली जदि हमें कहबा 4 जिला जोटा सब अधिक प्रभावित होबा रही छी आशंका पानी पाक विभाग तरफ जो सूचना दिया जाय छी सेही आधार वर्तमान वरिष्ठ अधिकारी मानको मध्य नियोजित करा जाय छी तबे दीपटिक आपन को अटकेबी एबे सीधा सळ जेबी बालेश्वर जोट रहिछन हम प्रतिदिन प्रकाश महंती कारण बालेश्वर जिला सर्वाधिक प्रभावित होबा जा पूर्वरु पानी पाक विभाग तरफ मध्य सूचना दिया जाय सरछी तो प्रकाश ग्राउंड लेवल रे वर्तमान जिला प्रशासन प्रस्तुति केमिति रहिछि बात्या यस रो मुकाबला नै देखो तो नीलिमा पूरा ग्राउंड लेवल ले जो कथा कहले अपन कहुला प्रस्तुत रे जे हम यदि कहबा जिलापाल निजे एवं ता सहित किसी समय पूर्व आईन श्रृंखला एडीजी जसवंत जेठवा आसी पहुंचती बात्या दायित्व तुलवाई जो विशाल देव अच्छे से नहीं कि आप देखते प्रथम ओड्राफ जो टीम अच्छे पाखापाखि 4 3 जिले ओड्राफ विभिन्न टीम आसगढ़ आईआरबीएल 40 जनिया टीम गोटे आसी सहित झारसुगुड़ सेकेंड बाटालीयन 28 जनिया टीम और बौद्धर आईआरबीएल 33 जनिया टीम और बालेश्वर ओड्राफ 30 जनिया टीम सह 4 टीम आप देखुंत संपूर्ण बर्तमान पूरा सजग अच्छा आ कि समय पर ये जो समस्त टीम अच्छा कौ कौ अंचल अति प्रभावित हे और कौ कौ मैंने बेस हईराण हरकत हे तो से लगी यही सब अंचल को जो टीम गुड़ा देखुंत सहित जो उद्धार कार्य नियोजित हे जो इंस्ट्रुमेंट क्या कह जाए टिपनर हाइड्रोलिक कटर गैस कटर और रोप ट्यूब यह सबको संपूर्ण भाव सजा रखी सहित जेनेटर और विभिन्न जो सरंजाम रही अत्याधुनिक सरंजाम से सब को पूरा व्यापक भाव बंद मानते प्रस्तुत कर रखा जा किसी समय परे एमाने सब कौ कौ अंचल को जो जिबे टीम तो से पूरा प्रस्तुत रखा जाइछि एडीजी जसवंत जेठवा एवं डीआईजी को सहित बर्तमान गुरुत्वपूर्ण आलोचना करछन्ति ता सहित किछि समय मध्य जिलापाल एक जरूरी सांबादिक सम्मेलन डाकछन्ति कि कौ भली भाबे तो से मुकाबला करा जाय परिबो एवं आमे बात्या यस को कौ भली मुकाबला करबा तो से लागि जिलापाल घन घन समस्त अधिकारी सहित बैठक करछन्ति एवं अन्य समस्त अच्छन्ति वरिष्ठ अधिकारी माने अच्छन्ति तो बर्तमान ये ओड्राफ बालेश्वर टीम रो मुख्य अच्छा सहित आलोचना करवा से प्रस्तुत करेंजमेंट बर्तमान 4 टीम ये अच्छा 4 जिनस जो ब्रांच काटापी जो जेनेटर अच्छी
ଆଉ ଆମର ଆସ୍କା ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ହଁ, ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କି ଯେଉଁ କଥା ଆସ୍କା ଲାଇଟ୍ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରାଞ୍ଚ କଟର କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ୟାସ୍ କଟର, ଟିପ୍ନର ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ କଟର ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇଠାକୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଅଛୁ ସେଇଟାକୁ ADG ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଶୋନ ଜେଠୁଆ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ତାପରେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ କେଉଁ ଟିମ୍ କେଉଁଠିକି ମୁତୟନ କରାଯିବ ସେସବୁ ଜାଗାକୁ ପଠାଯିବ। ଏଇ ଚିତ୍ର ହିଁ ପଏଣ୍ଟ କରୁଛି କି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ ଜୋରସେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରହିଛି ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ବା ଏୟାର ଡ୍ରପିଂ ପାଇଁ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ହେଉ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ବି କେମିତି ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଯିବା ଏହି ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ପ୍ରେକ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ ଏବଂ ୟେସ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ସରକାରୀ ଲେବୁଲ୍ରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଲେବୁଲ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। NDRF, ODRAF, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ତୟାର ରହିଛନ୍ତି ୟେସ୍ର ମୁକାବିଲା ନେଇ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦିଆଯିବ କି ୟେସ୍ର କିଭଳି ରହିବ ପ୍ରକୋପ, ତା'ର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କେତେ ରହିବ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପବନ ବହିବ, ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର ବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜଳେଶ୍ୱର ଯିବା, କାରଣ ଜଳେଶ୍ୱର ଯଦି ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଭୋଗରାଇ ବାଲି ଏସବୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ର ସ୍ଥିତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଭଳି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୀଘା ଅଞ୍ଚଳ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଭୋଗରାଇରେ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଉଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଗି ଦୀଘା ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଦୀଘା ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରର ସ୍ଥିତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଜି ସକାଳ ପରଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ତା'ର ରୂପ ବଦଳାଉଛି, କ୍ରମଶଃ ଯେତେ ନିକଟତରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଦୀଘା ଠାରୁ 610 କିଲୋମିଟର, ପ୍ରାୟ 610 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଢେଉର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ କୂଳ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘୁଛି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଲାଗିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକକୁ ଲାଗିଛି, ପଡ଼ୋଶୀ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକକୁ ହିଁ ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ପଶ୍ଚିମ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ଡାକାହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଫୋର୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆସି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ସମୁଦ୍ର କେତେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି, ପ୍ରତିଦିନର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍କୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ରୂପ ଏବେ କେମିତି ରହିଛି, ଭୟଙ୍କର ଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି କି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲିର ଦୃଶ୍ୟ କଥା କହିବା, ଗତକାଲିଠୁ ଆଜି ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ରହିଛି। ଆଜି ସକାଳଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରହିଛି 11:15 ସମୟ ଯାହା ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ସମୁଦ୍ରର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁ ଢେଉ ରହୁଛି, କେଉଁଭଳି କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ଏବଂ ଲଙ୍ଘିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ କୂଳରେ ବାଡ଼ଉଛି ଯେଉଁ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାର ପାଖାପାଖି 4-5 ଫୁଟ ଉପରେ ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ଆମର ଅମ୍ଫାନ ସମୟରେ କହିବା, ଏଇ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେର 10 ଫୁଟ ଉପରେ ଢେଉ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶୀ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ 10 ଫୁଟ ଉପରେ ହିଁ ଲଙ୍ଘିଥିଲା। ଏ ଯୋଉ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯାଇଛି କି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଭୁଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, ଭୁଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି 12 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଯଦି ରହିଛି 6 ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି
40,000 अधिक लोक बर्तमान से जो रही कच्चा घर लोक से उद्धार कर सब बड़ कथ जो मैंने कोविड आक्रांत रही भगराई अंचल 22 जन कोविड आक्रांत जो मैंने होम आइसोलेशन थी कोविड केयर सेंटर को 34 जन गर्भवती महिला को उद्धार कर सारी आउ जो रही भगराई अंचल जो रही गोटे लैंड रही समुद्र मझीरे किसी पर सुवर्ण द्वीप बोली गोटे नाम रही पाखापाखि 10 रु अधिक पर अच्छी से आज इवाकुएट कर प्रशासन पक्ष सूचना दी जाएगी आउ जदि आम कह पश्चिम बंग कथ कह पश्चिम बंगे तलिया अंचल प्राय समस्त लोक उद्धार कार्य सरी जो मैंने कच्चा घर रही बात्या आश्रयस्थल को निजाई नीलिमा तो प्राय एनडीआरएफ कतोटी टीम से अंचल मानते बर्तमान पहुंचले कि ना के टीम पहुंचबार कार्यक्रम रही कौन कह आम आज जो रही भगराई जो एडिशनल तहसीलदार रही सहित आम आलोचना करूँ गत काली राति भगराई अंचल दुईट एनडीआरएफ टीम और बालियापाल अंचल दुईट एनडीआरएफ टीम रही दुईट एनडीआरएफ टीम गोटे टीम रही 21 जन अन्य गोटे टीम रही 27 जन मेम्बर रही सहित रही आस्का लाइट रही जो गैस कटर रही स्थानीय अग्निशम विभाग बर्तमान प्रस्तुति रही जेहेतु कहला उत्तर ओडिशा को बेस प्रभावित करिबो जदि लैंडफॉल जदि उत्तर ओडिशा बालियापाल भुगराई अंचल जदि लैंडफॉल करूछि सेही अनुसार मध्य एनडीआरएफ टीम बढ़ी पारे जो रही अग्निशम विभाग एवं स्थिति ऊपर स्थिति रो आवश्यकता अनुजाई निष्पत्ति नियाजिबो जहां सूचना रही अनेपटे किंतु संपूर्ण भाव में बात्या यश रो मुकाबला करिया पई प्रस्तुति को जोरदार कराई धन्यवाद गोपबंधु धन्यवाद प्रकाश धन्यवाद दिव्य आम 18-19 तारीख रु आमको आम अथॉरिटी कहले अरे प्रिपेयर हो रेडिनेस रो आरको भी आमको न्यू कटर इक्विपमेंट भी बहुत न्यू मिली आथरक आमको बहुत ये जो न्यू इक्विपमेंट उपरे आमे भी किछटा भलो शिखिचु ताथरक आमको पूर्व अपेक्षा एथरक एतटा जटिल हबनी आमको रिलीफ कार्य आम कटर उपर बहुत आनीचु एथरक बहुत कटर उपर आमको इश्यू होती जोटा कि ब्रांच कटर हो ट्रिपनर हो चेन्स हो बुलेट चेन्स हो कंक्रीट कटर हो आम चाहिबू जे प्रथमे आम जीरो इंजरी पब्लिक को जीरो इंजरी सेव करू आते क्विक रु क्विक सर्विस देबू पाखे पहुँचबू ताकू चाहे जो टाइप इंजरी होता सांगे सांगे फास्ट एड चाहिबू करियापे आमर नुआ एस्टिमेट उपरे जो बनिया उपरे आमे एस्टिमेट गुडा को जो गछ गुडा पड़ी गले रोड साइड आमे ताकू रेस्क्यू करबो थ्री मेन चेसर बा चेन्स विषय आम सब आणिक आसीचे बोर्ड भी आणिक आसीचे जोटी बनिया बात्या विषय आम रेस्क्यू कर पार लोक मानक सेल्टर टेंट आमर अच्छी सेल्टर टेंट जो मैंने असुस्थ हो एंजर्ड हो लोक से आम आस किसी समय पर रखिक ट्रिटमेंट करूँ आमर टीम पूरा उच्च मनोबल नहीं कि यास ये मुकाबला करने पूरा फुल प्रस्तुति अच्छी समय एक ब्रेक ब्रेक स्वागत यश्र मुकाबलापी ओड्रा पक्षर व्यापक प्रस्तुति एथपाई बालेश्वर झारसुगुड़ा देवगढ़ और बौद्ध जिले में पहुंची ओड्राफ टीम बालेश्वर जिलार ओड्राफ्र 30 जनिया टीम मुतयन होतीपरी देवगढ़ जिलार 40 जनिया टीम पहुंची ये तो यश प्रस्तुति कितु अंपटे जदि आम देखा बर्तमान मार्केट खोली कारण सप्ताहत सटडाउन जारी रही एवं समय भी परिवर्तन कराई बात्या को आखि रखी कारण लोकर निश्चित भाव में अत्यावश्यक सामग्री बेस आवश्यकता रही तेणु मार्केटर समय जोटा दिन 11 जाए पूर्व ता गोटे को बर्तमान एक्सटेंड कराई कितु एक तो गोटे पटे सप्ताहत सटडाउन पुणी उपरे मुंड उपरे बात्या ईएसर आशंका तेणु ताक आखि रखी मार्केट बेस भिड़ पर देखा मिलता एथपाई कथ उठू कारण एवं आम कोविड सहित ए महामारी सहित लड़े करे पॉजिटिव संख्या एवं कमिनी मृत्यु संख्या कमिनी संक्रमण हार बहु मात्रा रही थे नजर आसी तेणु एभली जदि भिड़ लगि रुए तेल कौली भाव में सरकार समस्या बढ़ो गोटेपटे बात्या पुणी सहित करोनार मुकबिला तेज कटक और भुवनेश्वर केमी रही स्थित मार्केट ए संपर्क अधिक सूचना पाई आम रही प्रतिनिधि भुवनेश्वर चिन्मय साहू कटक रही विश्वजित दास विश्वजित प्रथम आपको जीवाई चाहिए सप्ताहत सटडाउन सरला शनिवार रविवार निश्चित भाव लोकर आवश्यकता जिनस
निहाती दरकार ताकू कौन से प्रकार डिनाय करा जाउने किंतु अन्य पटे देखंतु बात्या भी आसुची वर्षा भी हम पवन हम घर बाहर भी मुस्किल हो पड़ तेणु लोक मैंने किसी खाद्य किसी पर किसी शुखिला जिनस कि राशन सामग्री घरे मजूद कर रखापी चाहते मार्केट में बेस भिड़ पर कटक मार्केट हाल कौन विश्वजित निश्चय देखो बात्या यस को नहीं लोक मध्य भय रही जेहेतु कटक प्रभाव पड़वर जहाँ आशंका करें कटक लोक मन भय देखा आम कि समय पूर्व आम मार्केट आसलू जो बादामबाड़ी लिंक रोड अस्थायी मार्केट रही पर मार्केट सेठार आम देखल किसी भिड़ परलक्षित होता कारण लोक कहवा कथा दुई दिन सटडाउन रही सहित जेहेतु बात्या आसी अधिक सामग्री किणी नहीं घर रखिदर गोटे मनरे भिड़ जमी था ये हूँ से मार्केट दृश्य जो पर मार्केट रही अस्थायी पर मार्केट बादामबाड़ी और लिंक रोड ठार सी हूँ दृश्य लोक मन में कौटना कौट भय रही जेहेतु बात्या आसुच्छी पर न मिल से लोक मध्य भय रही लोक कह कथा जितेबाला आम प्रतिदिन आम पर मार्केट आसलू किलो दु किलो नौ कि जेहेतु बात्या आते अधिक परिमाण पर नहीं गच्छित करें कारण जेहेतु बात्या आउ गोटे कथ हूँ गोटे कथ हूँ सटडाउन रही है दुई दिन धरिकी वेजिटेबल मार्केट बंद रही है आज मैं राज्य सरकार गोटे दिन गोटे पर्यंत खोला रखिंट जेहेतु भिड़ जमुची बात्या आसुच्ची गोटे पर्यंत समय चेंज कर समय रखिंट गोटे बड़ कथा आ भितर लोकों सचेतन अभाव रही कारण गोटे पटे कोरोना चली अंपटे समय कलाबजारी अभियोग सामना को आसे तेनाली आखिर रखी सरी क्षमा करेंगे कटक जिला प्रशासन तरफ किसी पदक्षेप नि निश्चित भाव अभियोग आज मालगोदाम अंचल आसला कि किसी लोक जो ब्लैक मार्केटिंग करुवा अभियोग आसला एने कि सीएमसी जो खाद्य जोगाण विभाग को अवगत कराइला अवगत करने खाद्य जोगाण विभाग से पहुंची और से भाई कौन सी देखा पाई ना कि कौन से ब्लैक मार्केट होता कि लोक अभियोग ब्लैक मार्केटिंग होती बड़ कथ जितेबाला अभियोग हुए प्रशासन पहुंचे कि परवर्त बुलेटिन आपको कटक कटक सहर हाल विषय निश्चित भाव में जाना बात्या प्रस्तुति भी जाना कि बर्तमान समय परवर्ती गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकेबा बात यस रो पूर्व प्रस्तुति एवं मुकाबला नहीं आज बसुच्छ राज्य बीजेपी रो गुरुत्वपूर्ण बैठक संध्या 5:30 मिनिट बस बैठक भिसी माध्यम रे जोगदेवे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बातर मुकाबला प्रस्तुति एवं रूपरेख जोगदेवे राज्य बीजेपी कार्यकर्ता पंचायत मंडल विधानसभा जिला स्तर में बात्यार मुकाबला रोडमैप एने ट्विट कर सूचना देखते राज्य बीजेपी सभापति समीर महांती सेपटे बात्या मुकाबला नहीं गृहमंत्री अमित शाह डाकी समीक्षा बैठक किसी समय मध्य समीक्षा बैठक हो मुख्यमंत्री मुख्य शासन सचिव एसआरसी अन्य अधिकारी उपस्थित रहिबे गतकाली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बात्या प्रस्तुतिर समीक्षा करथिले समय जाछि बुलेटिन को रखिबा नमस्कार।